तो हमारे इस पिवट टेबल में हमने हमारे पास कुछ कैलकुलेटेड फील्ड है जो आप देख पा रहे हैं। तो मुझे मान लीजिए किसी फील्ड का चेंज करना, जैसे जीएसटी 18% था, अब जीएसटी 18% नहीं, जीएसटी हमारा 12% था, तो कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए भी आपको जाना होगा वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड में, और यहां आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, इस ड्रॉप डाउन को ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो यहां पे जो भी कैलकुलेटेड फील्ड होगा लिस्ट में आ जाएगा। ओवरऑल फील्ड यहां आएगा लेकिन कैलकुलेटेड फील्ड का लिस्ट आपको यहां आएगा। इसमें से जीएसटी को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करते ही यहां पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब मुझे 18% की जगह पे मुझे 12% करना है, तो हमने अपना चेंज किया एंड मॉडिफाई कर दिया, देन ओके, ये हमारा चेंज हो गया। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं।